दिल्ली से 11 घंटे की ड्राइव पे आप उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं और यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट देखने को मिलेगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो लगभग 11 घंटे आपको लगेंगे, बिकॉज 480-490 किलोमीटर की ड्राइव है। रास्ता ठीक ठाक है, बीच में कुछ पैचेस में पत्थर गिरने का काफ़ी डर है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है रोड्स की। तो आप अपने ट्रिप को ऐसे प्लान करना कि आप अर्ली मॉर्निंग दिल्ली NCR से निकलें तो आप लेट इवनिंग तक यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में आराम से पहुंच सकते हैं। हम हैं अभी तलवाड़ी गांव में और आज हम अंग्यारी ट्रैक करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको आज यहां का सनराइज दिखाता हूं। मेरे पीछे जो आपको पीक्स दिखाई दे रही होंगी वो है नंदा गोटी और त्रिशूल की पीक्स, ये देखिए। अभी मैं आपको इनकी क्लोज़र लुक देता हूं और आपको बताऊंगा कि अंग्यारी देवी के ट्रैक पे आपको किस तरीके का रास्ता मिलता है। जंगल के बीच में होके ट्रैक जाता है, बहुत ही सुंदर ट्रैक होने वाला है। तो आज हम पूरे ट्रैक को कवर करेंगे और आपको छोटी छोटी डिटेल्स जो है यहाँ की वो इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम। और हम चल दिए हैं आज अंगारी महादेव के ट्रैक पे। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हमने ताऊ जी को भी बहुत यहाँ पे वेट कराया, बट सब तैयार होके अब चल दिए। टाइम कितना हो रहा है भाई रोहित? 8:20। तो ये बिल्कुल जो हमारा होटल है, होम स्टे है, एकदम से ऐसे थोड़ा घने जंगल के बीच में बना रखा है, जहाँ से हमें प्रॉपर व्यू मिलता है। कहाँ देखा था मुझे? कभी कभी दिख जाता है। ताऊ जी, कितनी बार आपने अंग्यारी महादेव जी के दर्शन किए हुए? हमने तो कम से कम 50 दफे गए होंगे। अच्छा, और इस रास्ते में आपको कभी कोई जानवर वगैरह देखने को मिला? काफी जानवर मिलते हैं, भालू है, बाघ है, बारहसिंगा है और छोटे मोटे जानवर और हैं। और कितने किलोमीटर का ट्रैक है ये? यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर और ऊपर मंदिर बना हुआ? मंदिर है यहाँ महादेव का। उनकी पूजा वगैरह कब होती है? सुबह सुबह और शाम। सुबह शाम बाबा जी रहते हैं मंदिर पे। अच्छा, बाबा जी मंदिर में रहते हैं। क्या ये कैंटीन है? स्कूल कैंटीन है पूरी। स्कूल तो दिखा दे, इंटर कॉलेज। तो दोस्तों, ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा फॉरेस्ट के बीच में से होके जाएगा। आप पेड़ देखिए, ये सारे देवदार के पेड़ है। ये कंडली मुछी है, पॉपुलरली नोन एज छुई मुई, बिच्छू बूटी। इसको छूने से बिच्छू बूटी हाथ में रेडनेस हो जाती है और करंट लगता है। गढ़वाल की कंडेली जंगली बूटी कंडाली, ये नकली पहाड़ी है। तो दोस्तों, अब हमें ऐसी ही खड़ी चढ़ाई करनी है अगले 2 किलोमीटर तक, उसके बाद जाके हमें कुछ फ्लैट रास्ता मिलेगा इस ट्रैक का, फिर उसके बाद हम जाएंगे डाउन द वैली इनसाइड द जंगल। अरे रेडू, कंगिला है। कोई बात नहीं, इधर गाइस। अब तो पतला रास्ता है, जंगल का। गलत रास्ते में मत जाओ। तो ये होता है जब आप बिना किसी गाइड के डायरेक्शन के जंगल में निकल जाते हैं। There are chances that you get lost deep into the forest. ओ भाई साहब, अभी से थकान होने लग गई है,
अभी तो बहुत चढ़ना है। ये चीड़ का पेड़ है दाई जी, दोस्तों ये सारे चीड़ के पेड़ हैं और पाइन, पाइन ट्रीज। भाई वापसी के लिए स्टार्टर फ्यूज चाहिए ना, ये रख लेना। हाँ बुरास के फूल देखकर मन करता है इसकी ड्रिंक मिल जाए, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है, अगर शाम को मिलेगी तो ज़रूर। तो रास्ता बहुत ही संकरा है और देख सकते हो पथरीला भी है। लगभग 25 मिनट चल के हम काफी हाइट पे आ चुके हैं और अभी ब्रेक लिया है। ताया जी एकदम सेट है, इनको थकान नहीं हो रही, बाकी हम चारों की हालत काफी खराब है। अभी तो 6 किलोमीटर और चलना। कितना? 6 किलोमीटर और है अभी। 2 किलोमीटर कर लिया हमने। चल बे। कितने किलोमीटर आ गए ताया जी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर खत्म। यस। आधा घंटा 1 किलोमीटर का हमारा। हाँ। एवरेज। ऊपर कुछ ज्यादा लगेगा, फिर चढ़ाई है ना यहाँ से। अभी और चढ़ाई है? हाँ। अभी खड़ी चढ़ाई है थोड़ी। तो ये खड़ी चढ़ाई नहीं थी जो भी हम करके आए हैं, ये देखो। ये तो कुछ ये लेटी थी। तो अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई और कितनी बचेगी? 1 किलोमीटर। उसके बाद डाउन है या स्ट्रेट है? अब थोड़ी हल्का हल्का है चढ़ाई। और जो खड़ी चढ़ाई है वो कितनी खड़ी है, कब से खड़ी है? 4 किलोमीटर तो खड़ी चढ़ाई है। 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, फिर 2 किलोमीटर डाउन है बिल्कुल। दोस्तों उतार, देखो चिल करना चाहते हो ना, बच्चे के तो फिर मिलेंगे। हाँ ये भी जरूरी है, और अगर चिल करना चाहते हो तो ट्रैक मत करो यार, ग्वालधाम घूमो। लेकिन अगर कुछ करना है एडवेंचरस, मन है ट्रैक करने का, तो ये ट्रैक आई थिंक काफी कमाल का। महादेव जी दर्शन। अच्छा यहाँ पे मान्यता क्या है? मान्यता तो है ही वहाँ पर कि अब वहाँ पर बाबा जी से पूछना, हमको भी उतना पता नहीं है, वो तो हमेशा वहाँ पर रहते हैं। बाबा जी को पता होगा, बाबा जी को सारे आपको कहानी सुनाएंगे क्या है वहाँ का महत्व। और कितने सालों से होगा ये मंदिर यहाँ पे? ये तो काफी सालों से है। काफी सालों से 70 साल की एज मेरी हो गई। 71। आप 70 साल के हो? 71। हाँ। तो हमने उससे पहले पता नहीं, हमारे बुजुर्गों से भी पहले का है। देख लो दोस्तों 71 साल के हैं ताया जी। हाँ। और अभी भी एकदम फिट, स्टेमिना काफी बढ़िया, क्योंकि क्या है ना पोल्यूशन तो है नहीं गढ़वाल में, यहाँ पे किसी काम के लिए ठंडा पानी ठंडी हवा, ठंडा पानी ठंडी हवा, वाह वाह। पहले इनका दूध और पहाड़ का पानी, पहाड़ का पानी, फिटनेस एकदम मस्त। तो ये चढ़ाई खत्म होते ही एक वैली आएगी, ओपन एरिया, वहां से व्यूज बहुत अच्छे होंगे, पर ये खड़ी चढ़ाई बड़ी खतरनाक है। Is that it?
हाउ इज द जोश? अच्छा और ज्यादा खिलता है अभी? हाँ, काफी बड़ा होता है। आप लोग बनाते हो जूस इसे? हाँ? घर ले जाते हो यहीं से? ताई जी कैसे बनाते हो आप जूस, उसमें क्या क्या डालते हो? एक्चुअली रोहित बताइए, इसका जो फूल है ना, उससे नेचुरल सीरम निकलता है। यू हैव टू जस्ट कलेक्ट दैट सीरम, देन यू हैव टू, उसमें नेचुरल शुगर भी है, तुम्हें उसे पानी मिलाना है, थोड़ा सा लाइम मिलाना है, थोड़ी सी आइस, एंड द ड्रिंक इज रेडी। बड़ा मस्त है, सूरज भी निकला हुआ है। देखो पीछे वहां पे आपको नंदा गोटी और त्रिशूल का पूरा व्यू दिखाई देगा, तो जब भी आप अंग्यारी महादेव जी का ट्रैक करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देगा पीछे। ठीक है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है ये, पूरी क्लिफ हम लोग चढ़कर आए हैं अभी, और अभी थोड़ी और है, उसके बाद ओपन वैली आनी चाहिए, वहाँ पे जाके ट्रैक करना थोड़ा इजी हो जाएगा, पर फिलहाल तो हालत बहुत ख़राब है। लेकिन मज़ा एक चीज़ का आ रहा है, जो व्यूज़ है ना वो कमाल के हैं, चीड़ के पेड़, पुरास के फूल के पेड़, और लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है।